नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को अपने प्रतिद्वंदी और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला करते हुए उन पर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति करने और औरंगजेब और अफजल खान के कारनामों का अनुकरण करने का आरोप लगाया। शिंदे ने पत्रकारों से बातचीत में 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग के मालवन इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना पर राजनीति करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तथा खुद उनके द्वारा इस दुखद घटना के लिए माफी मांगने के बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासित कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को 2 JCB निर्माण उपकरण को उखाड़ दिया गया। शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र के लोगों ने 2 साल पहले उन्हें उनकी जगह दिखा दी। आप छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं लेकिन औरंगजेब और अफजल खान के कारनामे दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग विपक्षी दलों को सबक सिखाएंगे। मुगल शासक औरंगजेब शिवाजी का प्रतिद्वंदी था और उन्हें धोखे से उन्हें कैद कर लिया था। उन्हें शिवाजी के बेटे और उनके उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी को भी मार डाला। बीजापुर के सेनापति अफजल खान को मराठा शासक ने मार डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों को आगामी चुनाव में अपनी हार नजर आ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना शहर के साथ साथ गांव में भी लाभार्थियों तक पहुँच गई है। शिंदे ने तत्कालीन सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी और अदाकारा एवं अब भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत के परिसर का एक हिस्सा ढाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।